हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने YouTube वीडियो को सर्च में टॉप में ला सकते हो। ये सीखने से पहले आपको जानना होगा कि YouTube का जो एल्गोरिथम है वो किस तरीके से काम करता है। सपोज कि आपने एक YouTube चैनल बनाया नया और उस चैनल पर आपने 10, 20 या फिर 30 वीडियो अपलोड कर दिया, तो आपके वीडियो पर व्यूज कैसे आएंगे। आपका जब नया चैनल होता है तो आपके चैनल में सब्सक्राइबर 0 होते हैं, व्यूज भी एकदम कम ही आते हैं, मतलब व्यूज और सब्सक्राइबर बहुत ही कम आते हैं, तो तब तो आपका वीडियो रैंकिंग में नहीं जाएगा। आपको आपके वीडियो को रैंकिंग में ले जाने के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको सर्चेबल कॉन्टेंट पर वीडियो बनाना होगा और आपका वीडियो किस तरीके से रैंक करता है आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा वीडियो टॉप पे रैंक कर रहा है। तो ये रैंकिंग किस तरीके से होता है, एक्चुअली जिसका वॉच टाइम ज़्यादा होता है उसका वीडियो टॉप में रैंक करता है, और अगर आपका वीडियो नया है तो आपके वीडियो पर व्यूज़ कम है और वॉच टाइम तो एकदम ही कम है, तो आपका वीडियो तो सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं एक कोई भी वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। सपोज कि मैं इस वाले वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये वीडियो प्ले हो गया। अब आप राइट साइड में देख सकते हो, अगर आप मोबाइल से यूज करोगे तो आपका नीचे यहाँ पे दिखेगा, और अगर आप डेस्कटॉप में करोगे तो आपको इस तरीके से राइट साइड में दिखेगा सजेस्टेड वीडियो। तो यहाँ पे भी आपका वीडियो शो होगा, सर्च में नहीं आएगा लेकिन आपका वीडियो यहाँ पे सजेस्टेड में शो होगा। तो यूजर को सबसे पहले आपका थंबनेल दिखेगा, तो आपको आपका वीडियो का जो थंबनेल है उसे HD क्वालिटी में और क्लिकी बनाना है। आप इस तरीके से थंबनेल बनाओ कि आपका थंबनेल सबसे अलग लगे, कुछ डिफरेंस हो, ताकि यूजर उसे क्लिक करे। तो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट काम आता है कंटेंट। सपोज कि आपके वीडियो पर कोई क्लिक कर देगा लेकिन आपका वीडियो देखेगा क्यों, उस टॉपिक पे और भी बहुत सारा वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, तो आपको आपके जो कंटेंट है आपको अच्छा बनाना होगा। अच्छा बनाने का मतलब है कंटेंट में आप अच्छी तरीके से बोलो, स्क्रिप्टिंग करो, ऑडियो क्वालिटी अच्छा रखो, वीडियो क्वालिटी अच्छा रखो, और जो आप बता रहे हो वीडियो में या फिर सिखा रहे हो तो उसको आप अच्छी तरीके से सिखाओ, ताकि यूजर उस वीडियो के साथ एंगेज होकर रहे और आपका वॉच टाइम बढ़ते रहे। इस तरीके से जब आपका वीडियो सजेस्टेड में आएगा तो आपके वीडियो के ऊपर व्यूज आएगा और सब्सक्राइबर भी आएगा, और वो वीडियो YouTube ब्राउज फीचर में भी भेजेगा। ब्राउज फीचर मतलब इस तरीके से जब आप YouTube को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका वीडियो दिखेगा। तो ब्राउज फीचर से सेम केस, अगर आपका थंबनेल अच्छा हुआ, क्लिक हुआ, तो यूजर उस थंबनेल पर क्लिक करेगा, और अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो वो देखेगा और सब्सक्राइब भी करेगा। इस तरीके से धीरे धीरे आपके वीडियो के ऊपर व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, वॉच टाइम भी बढ़ेंगे और आपका चैनल सर्चिंग में आने लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों दो पॉइंट निकल कर आता है, आपको थंबनेल जो है वो अट्रैक्टिव और क्लिकी बनाना है, आपको सर्चेबल कंटेंट पे वीडियो बनाना है, और आपका जो कंटेंट है उसको आपको अच्छी तरीके से बनाना है, अच्छी क्वालिटी में। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपका वीडियो सर्चिंग में डेफिनेटली आएगा। लेकिन दोस्तों एक बात है, आपका वीडियो को सर्चिंग में आने में 1 महीना, 2 महीने या फिर 3 महीना भी लग सकता है। आपने एक YouTube चैनल बनाया और 10-12 वीडियो हो गया तो आप सोचोगे कि मेरा वीडियो सर्च में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना काम करते रहना होगा, और आपके चैनल पे आपका 100 या फिर 150 वीडियो जब हो जाएगा या फिर 50 वीडियो में किसी किसी का हो जाता है तो आपका वीडियो सर्च में आ जाएगा और आपका चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।